प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बालू खनन के विरोध पर दो लोगों में मारपीट, मारपीट के दौरान दो लोग बुरी तरह से घायल। राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में वीडियो जारी कर लगाई पदाधिकारियों से न्याय की गुहार। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूटपाट के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वेतन न मिलने से नाराज नगर निगम के कर्मियों ने किया जमकर प्रदर्शन। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज, जनता के बीच वादे करते दिखे उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर कहलगांव से है, जहां थाना क्षेत्र की अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते 16 साल के बच्चे को दिन दहाड़े घर बुलाकर कुएं में फेंक कर बच्चे की जान ले ली। वहीं जब इसकी सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बता दें, परिजनों ने पहले ही इस मामले की सूचना पुलिस को दी थी, पर पुलिस ने इस मामले पर कोई सुध नहीं ली, जिसका खामियाजा बच्चे को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मरवाने के लिए चक्कर लगा था खेत में, कम से कम 20 आदमी को मंगवा के दो हत्तों लाठी चलवाया था हमको। मतलब डेथ हो गए थे, खाली सांस चल रहा था। ये केस अभी भी थाना में चल रहा है। तो उसमें फिर उस मामले में कुछ हुआ या नहीं? नहीं, अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये घटना कितना दिन पहले हुआ था? ये कम से कम 2 महीना पहले हुआ। डेढ़ दो महीना पहले ही इस तरह का घटना हुआ था, और फिर से मेरा भाई मरवा दिया। मतलब डेढ़ मंथ बाद फिर से आपका भाई का मरवा दिया। आपका परिचय? परिचय मेरा नाम आपके पिताजी का अवधेश झा, और जिनका डेट हुआ था अमित झा, मेरा भाई अमीर झा। तो ये आलम है, कभी मुंगेर में, कभी नवगछिया में, कभी पीरपैती में, तो कभी कहलगांव के। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमीक हमसे जुड़ेंगे। अमीक, बड़ी ही अजीब खबर आई है, जमीन विवाद के चलते 16 साल के बच्चे की जान ली गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? मयूरी जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार बिहार में इस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही है। ये जो घटना हुई है ये परसों की घटना है, जहां पर 16 वर्षीय एक बालक को उसके घर से बुलाया गया और एक कुएं पर बुला करके जो है, जैसा कि परिजनों का आरोप है कि उसका गला दबा करके और शख्स को छिपाने के लिए डूबने का बहाना बनाने की वजह से उसे कुएं में फेंक दिया गया। लगातार वहां पर जमीनी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उसके भाई को लगभग 20 लोगों ने मिल करके मारा था, लेकिन उन लोगों ने, जो दूसरे पक्ष है, उन्होंने सोचा कि ये मर चुका है और ये छोड़ करके वो भाग गए थे। कई सारे आवेदन, कई सारे सनाह नजदीकी थाने में दिए गए हैं, परंतु सरकार ने, प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज जो है इस अमीर कुमार झा को जो है अपना मौत को लेकर के देना पड़ा है। अमीर, परिजनों ने, जैसे अभी आपने बताया कि पहले भी शिकायत की थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, क्यों नहीं की गई थी? मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि परिजनों ने भी कहा है कि जो दूसरा पक्ष है वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, प्रशासन से वो मिली भगत है। जब इस तरह की घटनाएं घटी, किसी का हत्या हो गया और वहां भी जब प्लॉट पे जब डीएसपी आए, थाना से संबंधित अधिकारी आए, तब भी वहां पर समाज के लोग बोलने के लिए बिल्कुल भी जो है तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उससे वहां के लोग खौफ खाते हैं इस वजह से। और प्रशासन लगातार पैसे ले करके इस तरह के आरोप को दबा रहा है। लगातार प्राइम टीवी ने दिखाया भी कि किस तरह कितने सारे सनाह आईजी को, डीआईजी को, एसपी को दिए जा चुके हैं, परंतु इसके बावजूद भी अगर एक जान को नहीं बचाया जा सका तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जरूर ही प्रशासन के कार्य रवैये पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो अमित, अब तो एक बड़ी घटना घट चुकी है, बच्चे की हत्या कर दी गई है, तो अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? अब इस पुलिस प्रशासन का कहना ये है कि
बस वही जो एक सिस्टम है यहाँ पर प्रशासन के लिए ये कुछ नहीं है, एक सामान्य सा दुर्घटना है और उनका कहना है कि हम इसे जो है धर पकड़ करेंगे। लगभग जो है 72 घंटे पास कर चुके हैं लेकिन अब तक भी किसी को जो है हिरासत में नहीं लिया जा सका है। हाँ, प्रशासन ये कह रही है, दावा कर रही है कि हम इस पर छापेमारी कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि कई सारे 8-9 लोगों पर FIR भी दर्ज हुआ है परंतु एक को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी धन्यवाद अमित, तमाम जानकारियों के लिए। खबर नवादा से है जहां बालू खनन के विरोध पर बालू माफियाओं ने जमकर मारपीट कर ली और इस दौरान मारपीट में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित महिला और युवक ने इस घटना की लिखित शिकायत नगर थाना की पुलिस को दिया। मारने के लिए जा रहे थे। बालू खनन होता था वहाँ? कौन 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 करता था बालू खनन? कौशल यादव, मुकेश यादव, मिथिलेश यादव, गांधी यादव, पिंटू यादव। आप लोग विरोध कर रहे थे, फिर क्या हुआ? तो हम आने लगा तो मारने के पिस्तौल के कारण हम सटा को मारपीट किया। कई लोगों के साथ मारपीट किया? मेरे और मेरे चाची था, बचाने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कहाँ घर है? इसका सूचना दिए थे पूर्व में जब बालू उठाता था बालू माफिया लोग, पूर्व में सूचना दिए थे थाने जी, को जी। तो क्या हुआ, क्या आश्वासन क्या मिला? दो गाड़ी पकड़ाया था। हमको भी मार दिया। तो थाने गए तो आपको भी मारा? हमको भी मारे लगा, झोटा पकड़ के पटक दिया नीचे, वहाँ उसको घर था। तो कौन बालू कौन उठाता था? बालू उठाता है मुकेश यादव, कौशल यादव, मिथिलेश यादव, पिंटू यादव, सोनू यादव। आज कहाँ आए आप लोग? आज तो थाना में है। आवेदन देने आए? हाँ। क्या नाम है आप? सुनैना देवी। खबर बेतिया से है जहां पूर्व में नरकटियागंज प्रॉपर्टी डीलर सह नगर सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में कुख्यात अपराधी फिरदौस अहमद ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बेतिया SP साहब एवं नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि इस मामले में सही से जाँच किया जाए। साहब से निवेदन है कि स्वर्गीय राजेश कुमार श्रीवास्तव जी की हत्या में मेरा नाम और मेरे फैमिली का नाम, मेरे पिता सुहेल अख्तर और भाई सबरूस अख्तर का जो नाम आ रहा है, तो इस केस को स्वयं जांच करें या कोई अपने कोई खास अफसर को देख के जाँच करवाएं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल इंसाफ करेंगे। DSP कुंदन कुमार साहब स्वर्गीय राजेश कुमार श्रीवास्तव जी एक अच्छे दोस्त रहे हैं। खबर बेतिया से है जहां पहले चरण में होने वाले मतदान पूर्व नगर निकाय चुनाव में सत्ता का हनक दिख रहा है। ऐसा ही एक वीडियो पश्चिम चंपारण जिला के बगहा नगर परिसर क्षेत्र से वायरल हो रहा है जिसमें JDU MLC साफ तौर पर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में कुछ लोग भी उन्हें रोकने और पूछने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं जिस पर JDU MLC भड़कते नजर आ रहे हैं। खबर नालंदा से है जहां जिला अंतर्गत रहुई थाना पुलिस में सोनसा बोड़ बेहटा सरमेरा फोरलेन के पास से लूटपाट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें पुलिस ने आरोपियों के पास से लोडेड कट्टा, मोबाइल और बाइक बरामद किया है। बता दें लगातार हो रही लूटपाट की घटना के बाद SP के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांड का खुलासा किया है। घटना घटित हुई थी, अन्य जो राहगीर हैं उन लोगों के साथ भी कुछ घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होती थी। इस संबंध में 10 तारीख को एक FIR दर्ज हुआ था लूट का, जिसमें एक अरविंद कुमार है वो साइकिल से लौट रहे थे तुलसी चक के पास, 4 लेन पे अपराधकर्मियों ने हथियार दिखाकर उसका 1300 रुपया, मोबाइल, पर्स।
खबर नालंदा से है, जहां बकाया वेतन को लेकर आउटसोर्सिंग पर बहाल नगर निगम के चालक और कर्मियों ने ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे युवक ने बताया कि दीपावली के बाद से हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को भूखमरी के कागार पर आ गए हैं। जब तक हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग का वेतन दिया जाए, सितंबर से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं सर, यह चौथा महीना जा रहा है। पीछे का 8 दिन था वो दे के फिर बंद कर दिया गया है। बताइए कैसे 8 दिन का रुपया से हम लोग कैसे परिवार पालेंगे। बस ये नगर निगम से निवेदन है कि हम लोग का रुपया भुगतान किया जाए। कितना के वेतन आप लोग रहे हैं? तीसरा महीना ही जा रहा है सर। कितना वेतन मिला? 13,000 रुपया बोला गया था। हम लोग नहीं गया कि कितना मिलता है नहीं मिलता, लेकिन अनुभव हुआ, मालूम हुआ कि 400। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है, जहां निकाय चुनाव के आखिरी दौर में उम्मीदवार जनता के बीच तरह तरह के वादे करते दिखाई दे रहे हैं। वार्ड 6 से पार्षद उम्मीदवार खुशबू कुमारी पति मुकुल दुबे ने कहा कि जिन गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वैसे लोगों को वंचित रखा गया है और लोगों के हक के लिए मैं चुनाव के मैदान में हूँ और आप सब से अपील है कि मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं नगर परिषद के दशा और दिशा सुधार सकूं। खड़ी हूं। आप जनसंपर्क कर रही हैं और ये चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, ऐसे में जनता का कहां तक सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी, ये जान के बहुत खुशी है मुझे कि जनता का जितना समर्थक होना चाहिए। मैं पहली बार ये इलेक्शन लड़ रही हूँ और जनता का काफी सपोर्ट है मेरे प्रति। खबर रोहतास से है, जहां के डेहरी के पाली रोड स्थित कॉफी हाउस परिसर में लोजपा की तरफ से जिला अध्यक्ष विनोद सिंह एवं राजीव रंजन की उपस्थिति में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों समर्थकों के साथ लोजपा आर में सदस्यता ग्रहण किया। बता दें, इस दौरान मिलन समारोह में माधव राज शेखर ने उपस्थित अतिथियों व पार्टी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्लस पांडे जी जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन लोगों के दिशा निर्देश के अनुसार आज पार्टी में हम लोगों का हर संगठन स्तर पे हम लोगों का काम चल रहा है, बूथ स्तर पे काम चल रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने पार्टी का सदस्यता आज शेखर जी को पार्टी का मिलन समारोह में आज हम लोग शामिल कराए और इनके आने से बहुत मजबूती और एक युवा चेहरा हमारे यहाँ, जुआ के सम्राट भी हमारे, जुआ के भविष्य हमारे सोनू भैया भी। पटना में जहरीली शराब से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है।
जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से फेल हो गई है उसको लेकर सरकार की आंख खोली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाए। तंत्र कहीं न कहीं अवैध शराब कारोबारी के साथ जुड़ा हुआ है और इसके कारण बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार को सख्ती से इन सारे चीज़ों को रोकना चाहिए, सिस्टम में जो ईमानदार लोग हैं उनको लाना चाहिए, जो कहीं न कहीं ये जो नशाबंदी, पूर्ण नशाबंदी का समर्थन हम लोगों ने किया है, कहीं न कहीं वो दिखना चाहिए। फांसे खींच दो, कहीं कोई परेशानी नहीं, फांसे खींचे बीजेपी के लोगों को। ये जनता दल यूनाइटेड के लोग शराब बेचवा रहे हैं, मोटी रकम वसूली कर रहे हैं, प्रशासन के देख रेख में जहरीली शराब बिक रहा है, सैकड़ों मौत हो चुके हैं और बेशरम मुख्यमंत्री शर्म किए बिना अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री को सर माननी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और इस घटना की न्यायिक जांच हो। खबर मधुबनी से है जहां के गनगौर गांव में घटिया नाला निर्माण को लेकर संवेदक के खिलाफ नारेबाजी करते ग्रामीणों ने संवेदक के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय पंचायत समिति के द्वारा वार्ड 6 एवं 7 में नाला निर्माण कराया जा रहा है जिसमें संवेदक के द्वारा घोर कमी बरती जा रही है। नाला निर्माण हो रहा है, ये किसके माध्यम से हो रहा है, किसका योजना है, इसका एक भी ना तो बोर्ड लगा है ना कोई चीज़ है। देखिए यहाँ पे, देखिए 3 नंबर 4 नंबर ईटा है, इससे अगर बन रहा है तो ये कितना दिन चलेगा। मेरा कहना ये नहीं है कि विकास ना हो, विकास होना चाहिए क्योंकि विकास से ही समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जो है सो मैं जितना राशि उठा है और काम आप मान लीजिए कि बिल्कुल घटिया तरह का कर रहे हैं। कौन जनप्रतिनिधि काम को कर रहे हैं ये भी नहीं पता है, क्योंकि अगर यहाँ पे बोर्ड रहता तब ना। देखिए 3 नंबर का ईंटा है, ईंटा पर ईंटा फोड़ के दिखाइए भैया, थोड़ा ईंटा पर ईंटा फोड़ के दिखाइए। बालू यहाँ है 14-15 में बालू और सीमेंट मिल रहा है। किस ढंग का एस्टिमेट है? अगर गंगौर पंचायती राज का मतलब है समाज का अच्छा विकास होना चाहिए, लेकिन ये विकास का तो बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ जमा, ये 14-15 में बालू मिल रहा है, आप फर्श देख लीजिए, इसका ईंटा का पोजीशन देख लीजिए, अभी भी माल गिर रहा है उसका पोजीशन देख लीजिए। मेरा कहना ये नहीं, ये विकास का काम। खबर नालंदा से है जहां जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड इलाके के मोरा तालाब पंचायत के बीएन पहाड़ी गांव के वार्ड नंबर 1 के लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बीएन पहाड़ी गांव के वार्ड नंबर 1 में बीते 1 महीने से नल जल योजना का मोटर जल गया है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वार्ड के सदस्य आते हैं और इस समस्या को देखकर वह शीघ्र ही जले मोटर को बनवाने का झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। कितना दूर से? कितना दूर से ला रहे हैं? बड़ी दूर है, ऐसे लगा रहे हैं हम जान ले कितना दूर से। तो क्या नंबर लगा? कितना देर देर नंबर लगाते हैं? 1 घंटा 2 घंटा जैसा। दो घंटा तो कितना? कहाँ के मामला है? कहाँ पड़ता है, कौन प्रखंड है? दिक्कत समस्या है, पहला नंबर तो जल का, जो कि 1 महीना से माओ बेटी इधर उधर लत मुक्का जूता खा करके पानी भर रहा है, कैसे समस्या बिता रहा है। जब कहाँ से भी पानी ला रहे हैं? पानी ला रहे हैं इधर उधर से जा करके, 1 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से लाता है, कभी किसी का घर से लाता है। यहाँ क्या हुआ जो पानी नहीं उत्पन्न मिल पा रहा है? हाँ, यहाँ पानी नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि 1 महीना से ये मोटर जला। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक
जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बेतिया से है जहां आगामी चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसके चलते नगर परिषद रामनगर में सभापति उम्मीदवार निवेदिता शाह के पति अभय विक्रम शाह को मतदाताओं ने शिक्षित और सबसे बेहतर बताया और कहा कि ईमानदार उम्मीदवार की बात की जाए तो निवेदिता शाह से बेहतर कोई नहीं है और अगर जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से नगर परिषद रामनगर में विकास को गति मिलेगी। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के मैनाटांट प्रखंड से है जहां राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय धोबनी में एक शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ मार पिटाई करने का मामला सामने आया है। बता दें, 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपनी बहन से मिलने 8th क्लास में चला गया, जिसकी वजह से टीचर ने बच्चे को जमकर पीटा। वहीं परिजनों ने बताया कि बच्चे को पिटाई के दौरान काफी चोटें आई हैं। फिर उसकी माँ हमसे कही कि बाबू, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है और उसके 3 पुश्त से मेरे यहाँ से उन लोग का चल रहा है, सब यहीं पला बड़ा है। लेकिन किसी के बहकावे में आके, गांव में हम रहते हैं, गांव के शिक्षक हैं तो हमको भी चाहने वाले कुछ लोग हैं और कुछ लोग शिकायत करने वाले भी हैं। तो अब यही समझे कि वो लोग जो भी ऐसा बात कर रहा है तो शिकायत वाले लोग हैं। उसकी माँ हमसे कही कि भाई बबुआ, थोड़ा बच्चा को जो है 4 बजे करीब में कौन कौन मारा है? मुकेश सर। आपको कैसे पता चला? आप कहाँ थे? हम घर पे थे। हम घर पे किया था फोन, जो बहुत मार मार दूंगा तो हम धनबाद में आया। तो यहाँ आए तो क्या देखे? ये देखे जो इसको बोला था, जो बहुत मार मारे, ये सब दिखाया है, ये दिखाया है, इसको बाल उखाड़ लिया है। क्या चाहते हैं आप? हम जोर से बोलो। बच्चा स्कूल में पढ़े है, एक दिन हम कम से कम 20-25 दिन हो गए घर से स्कूल से तो हम ना देखले रहनी कि का भूल बा स्कूल में लड़के कलस में चाची लैके अतिशवा आएल बा, तो हम कहनी कि अतिश आएल बड़न तो हम नहीं देखले, तो घर में देख तो सब लड़के संग में डुकल सब दोनों संगे गए सब चारू पाचू तो रोत रहन घींच के लिए अली हम देखे खातिर कि का बोल बा अतिश का बोल बा रुआ देखी तनी मरल बा कि केहू गरियाले बा के मरल हो लड़के से झगड़ा पड़ बनी आ तो ना उ लड़को कलस जो मास्टर मरल बड़न मुकेश सर मरल बा तो लड़के सब कलस मुकेश सर मरल बड़न अभी बात होते बा सर तो बच्चा सब बहर गए सर अब उन्हें गैल सन तो के नहीं उनकर के का बोल जो उन्हें एक तमेचा मरल कि आध तमेचा मरल तो उन्हें सैला रोसे में अल तो सर पूछते हैं जे सर काहे रोस में बने तो देखिए ना कि एक प्रिंसुआ के कथी नौगा छोड़ा के उसका भाई जो है ना हम से जबान लड़ा रहे हैं, गाली हमको दे रहा है तो उस लिए आज सुबह में हमारे घर गया था लो जी से बच्चा के साथ कल हुआ है कांड, तो नंबर लेकर हमारे पास फोन किया था लो, तो हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं आप लोगों के घर पर। घर पर गए हम तो वो लोग बताया कि नहीं कल स्कूल में हमारे बच्चों को उनके सर ने ज़्यादा मैंने हाथ से या थप्पड़ से मारे हैं। तो हम पूछे हैं तो कहा कि काहे मारे हैं, तो हम 6th क्लास में हैं, हम 8th क्लास में कि 7th क्लास में गए थे दीदी को बुलाने के लिए। इस नहीं है
और स्कूल बंद हो गया था, घर जाते समय बाहर क्या हुआ जानकारी नहीं। इस स्कूल में बच्चा पढ़ता था पहले से? नहीं, कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, नामे एडमिट नहीं आता, कैसे पढ़ेगा। इससे पहले भी पता चल रहा है कि कई बच्चे को सर के द्वारा पीटा गया है, उसकी सूचना आपको भी शिकायत उसका मिला हुआ है? नहीं, और इस तरह का आरोप हमको भी नहीं आया है कि कोई आके विवाह हमको नहीं बताया कि मेरे बच्चा को काय से मारते हैं। खबर बेतिया से है, जहां नगर निकाय चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपार जन समर्थन के साथ प्रत्याशी जुलूस के पूरे दमखम के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जन समूह दिखाकर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वाली जनता के जुबान पर मुख्य पार्षद पद के लिए एक ही उम्मीदवार गीता देवी पति नागेंद्र शाह की चर्चा जोरों पर है। खबर बेतिया से है, जहां साइबर अपराधियों द्वारा फोन कर लगातार किसी न किसी को शिकार बनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है, जिसके बावजूद भी लोग इसके शिकार बन रहे हैं। ताजा मामला नरकटियागंज से है, जहां क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर थाना क्षेत्र के टेढ़ी कुया गांव निवासी युवक के खाते से साइबर अपराधियों ने 40,800 रुपए उड़ा दिए, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।